जैन बच्चों, आज हम लोग सीख रहे हैं, है ना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर, है ना, उसका गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो आते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे मान के चलते हैं 140 है, क्या है, 140 है, तो 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। अभाज्य गुण कैसे निकलता है वो भी सीख लीजिएगा, आ गुणनफल के रूप में लिखाता है कैसे वो भी सीख लीजिएगा। तो पहले हम लोग दूर से करेंगे, अभाज्य संख्या मैंने उसके गुणनफल गुणनफल में अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ ली है, अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, इस तरह 17 है, तो इस तरह का अभाज्य संख्या 19 है, तो इस तरह आगे बढ़ेंगे तो बहुत सा अभाज्य संख्या है, तो उतना ही आना चाहिए इस गुणनफल में। तो दूसरे करेंगे क्या आगे, 2 7 14 70 आ गया, फिर दूसरे कटे के अंदर में 0 है, तो इसमें कुछ नियम याद रहना चाहिए। अच्छा, तो 35 दुनिया 70, फिर क्या 5 से कटेगा, 5 7 35 है ना, ये आ गया। अच्छा, फिर क्या चीज, मान लीजिए 220 है ना, तो दोनों का हम गुणनफल लिखेंगे, चाहे दूसरा भी संख्या ले सकते हैं, कोई सा दिक्कत नहीं है ना, हम लोग यहाँ दूसरा संख्या भी ले सकते हैं, क्या ले लिया जाए, दूसरा ले जाए चाहे छोड़ दे जाए, ले लीजिए दूसरा लीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, फिर दूसरे कटेगा, 2 5 10 और 2 5 10, फिर 5 से 11 5 55, तो लिखा जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, ये गुणनखंड है, इस तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी सीख जाएंगे, है ना। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो इसी तरीके से निकलता है, तो कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 5 × 7 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर गुणनफल के रूप में लिखा तो क्या लिखेगा, ये लिख देंगे हम लोग 140 के, है ना, 140 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंडो का गुणनफल है ना, गुणनफल रूप, तो गुणनफल रूप क्या हो जाएगा, तो इसमें गुणनफल रूप में क्या घात देख रहा है, 2 पर घात क्या हो जाएगा, 2 पर घात 2, 5 पर घात 1 और 7 पर घात 1, यही होता है गुणनफल रूप, है ना। इतना अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 140 के अभाज्य गुणनखंडो का गुणनफल रूप इस तरह हो जाएगा, है ना, घात अगर होगा तो लिख देंगे। इसी तरह 220 के लिखेंगे, इसी तरह 220 के लिखेंगे, है ना। तो 220 का अभाज्य गुणनखंड कितना गया, 220 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, कितना गया गुणनखंड, तो 2 × 2 2 × 2 × 5 × 11 आ गया। अब गुणनफल रूप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 220 है ना, 220 के अभाज्य गुणनखंडो का गुणनफल रूप, क्या लिखेंगे, गुणनफल रूप लिख लेंगे, है ना, गुणनफल रूप लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 के घात 2, 5 घात 1, 11 घात 1, इस तरह हम लोग, है ना, गुणनफल के रूप में हम लोग लिख देते हैं। देख लीजिए ध्यान से, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, दोनों को निकाल दिए, और इतना के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप 2 के घात 2 और प्लस 5 घात 1 7 घात 1, यहाँ पर 220 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप का हो जाएगा 2 के घात 2, 5 घात 1, 11 घात 1, यानी 2 2 बार है, 5 1 बार है, 11 1 बार है। इस तरह हम लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसको गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से समझ लीजिएगा। तो इस तरह हम लोग, है ना, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल के गुणनफल में लिख देंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।